हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू लाइफ स्टडी क्लास स्टूडेंट्स टुडे वी विल सॉल्व इन क्लास यू के जी इंग्लिश रिटर्न वर्क चैप्टर थ्री साउंड्स ऑफ ई एक्सरसाइज इन द बुक एंड ई एक्सरसाइज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट ये भी चार पार्ट्स में डिवाइड है बटी हुई है सो लेट्स स्टार्ट सॉल्व द एक्सरसाइज e x e r c i s e exercise e x e r c i s e exercise exercise practice work so student let's solve the sounds -so of vowel exercise in the book so the uh, exercise first part is here c o m p l e t e complete t h e the w o r d s words complete the words once again c o m p l e t e complete t h e the w o r d s words complete the वर्ड्स कंप्लीट पूरा करिए द वर्ड्स उन शब्दों को सो कंप्लीट द वर्ड्स उन शब्दों को पूरा करिए एंड वंस अगेन इन द इन द इन दिस पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज वी हैव सीन पिक्चर वर्ड्स इज यर एंड द पिक्चर पिक्चर वर्ड्स आर इनकम्प्लीट सो फिल द सुटेबल अल्फाबेट इन द वर्ड एंड कंप्लीट द वर्ड्स

हम जब ई e ववल को रीड करेंगे तो हमारा जो माउथ एक्सप्रेशन होगा माउथ के जो भाव होंगे जो हमारा जो माउथ हमारा जो बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा सो स्टूडेंट्स नाउ आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन दट्स मूव ऑन द लेट्स मूव ऑन द पिक्चर्स और पिक्चर वर्ड्स एंड फिल इट और कंप्लीट इट सो इन द फर्स्ट पिक्चर वी हैव सीन अ नेट एक जाली हमें दिख रही है नेट दिख रही है

एन ई टी नेट नेट जाली नाउ इन द सेकेंड पिक्चर वी हैव सीन अ हैंड एक हैंड हमें यहाँ दिख रही है बट द वर्ड इज इनकम्प्लीट इन द वर्ड वी हैव सीन ई बॉल एन एन अल्फाबेट यहाँ पे ई e और एन दिख रहे हैं ई e बावल और एन दिख रहे हैं बट द फर्स्ट अल्फाबेट मिसिंग फ्रॉम द वर्ड तो हमको ये मिसिंग भरना है तो हमें पता है हैंड द हैंड स्पेलिंग इज हैंड स्पेलिंग इज एच ई एन हैं तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे इन द ब्लैंक स्पेस वी विल फिलियर एच अल्फाबेट सो एच हमने भरा तो हमारा वर्ड कंप्लीट है एच ई एन हैन एच ई एन हैन हैन मुर्गी नाउ लेट्स कम ऑन द थर्ड पिक्चर इन द थर्ड पिक्चर वी हैव सीन अ बैट अ बैड इन द पिक्चर को हम एक बिस्तर को या बेड को पिक्चर में देख रहे हैं बट द बेड वर्ड इज इनकम्प्लीट इन द बेड वर्ड वी हैव सीन बी अल्फाबेट एंड ई बवल इज बट द लास्ट अल्फाबेट इज मिसिंग सो एज वी नो द बेड स्पेलिंग इज बी डी बेड सो इन द लास्ट ब्लैंक स्पेस वी विल फिलर डी अल्फाबेट सो आफ्टर फिल इट अवर वर्ड इज कम्प्लीट एंड द कम्प्लीट वर्ड इज बी बैड बी डी बैड

So it will make our word complete, and the complete word is P -E pen, P -E PEN pen, P -E -N, PEN pen, pen, column. PEN pen, PEN pen, pen, column. Now in the second picture, after this pen, in the second picture we have seen a leg picture, a leggy picture, a tanky picture, but the word is incomplete. In the word we have seen L alphabet or E vowel, and the third last alphabet is missing here. So as we know, the leg spelling is L E G. So in the blank space, if we will fill here G, so our word is complete, and the complete word is L E G, leg, L E G, leg, tongue. नाउ इन द लास्ट पिक्चर वी हैव सीन अ फाइटर प्लेन हेयर एक लड़ाकू विमान हमें दिख रहा है तो हम लड़ाकू विमान को क्या बोलते हैं बच्चों जे ई टी जैड बट हेयर इज इन दिस वर्ड द फर्स्ट अल्फाबेट इज मिसिंग इन द सेकंड दियर इज ई वर्वल एंड द लास्ट टी अल्फाबेट, सो द मिसिंग मिसिंग अल्फाबेट इज हेयर इट इज जे सो इफ यू फिले कम्प्लीट एंड द्लीट वर्ड इज जे ई टी जेड जे ई टी जेड जेड लड़ाकू विमान सो आफ्टर आफ्टर कंप्लीट दिस जेड लड़ाकू विमान इट्स अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीट हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट भी कम्प्लीट हो गया है नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकेंड पार्ट द सेकेंड पार्ट इज एम ए टी सी एच मैच टी एच ई द डब्लू ओ आर टी एस वर्ड्स डब्ल्यू आई टी एच विद टी एच ई दी आई सी टी यू आर ई एस पिक्चर्स मैज द वर्ड्स विद द पिक्चर्स मैच मिलाइए द वर्ड्स उन शब्दों को विद साथ में द पिक्चर्स उन चित्रों के तो उन शब्दों को उन चित्रों या उन वर्ड्स को उन पिक्चर्स या उन चित्रों के साथ मिलाइए सो वंस अगेन दिस साइड वी हैव सीन वर्ड वर्ड्स हेयर शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं एंड दिस साइड वी हैव सीन पिक्चर्स इज आल्सो हियर सो वी विल मैच दिस पिक्चर्स और वर्ड्स विद ईच अदर हम एक दूसरे से मिलाएंगे एंड द रा मैच द राइट वर्ड विद द राइट पिक्चर जो सही वर्ड है उसको सही पिक्चर के साथ उसके जोड़े के साथ हम मिलाएंगे सो इन दर्ड साइड फर्स्ट वर्ड इज अटी बैड अ बैड सो फर्स्ट वर्ड इज अ बैड सो इन द पिक्चर साइड वी हैव सीन वेर इज द बैड बैड पिक्चर अब हम पिक्चर साइड में देखेंगे बैट का पिक्चर कहाँ बैट की पिक्चर कहाँ है सो वी हैव सीन द बैट पिक्चर इन द लास्ट थर्ड नंबर जो लास्ट थर्ड नंबर पे हमें बैट की पिक्चर दिख रही है तो अब हम इन दोनों को मै मिलाएंगे मैच करवाएंगे फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से अब बैट से लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे आएंगे सीधे नीचे क्रॉस करती लाइन लाएं लाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमारी बेड का बेड की पिक्चर है उस पे लाके हम यहाँ पर इसे छोड़ेंगे और एक एरोसाइन बनाएंगे इस दैट मीन दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट वर्ड है उसका राइट सुटेबल मैच हमें यहाँ पे मिल गया है हमारा जो फर्स्ट वर्ड था अ या अ एक बैड बिस्तर अ बैड एक बिस्तर सो इन द पिक्चर वी हैव हाँ सीन अ बैड ऑल्सो पिक्चर में भी हमें अब बैट ही दिख रहा है तो हमारे ये मैच हमारा ये जो मै फर्स्ट वर्ड और लास्ट पिक्चर का मैच है ये बिल्कुल सही है

सो so, अब हमें इन वर्ड इस बेल वर्ड और बेल पिक्चर को आपस में मिलाना है सो so, हम ये बेल वर्ड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सीधे उस लाइन को क्रॉस करते हुए ले जाएंगे और जहाँ पे हमें बेल की पिक्चर दिख रही है वहाँ पे हम इसको छोड़ करके इस पर एरोसाइन बना देंगे सो दैट मीन्स इट्स अटेबल मैच अब जो बैल वर्ड है उसका जो है सही मैच यहाँ पे हमें पिक्चर में मिल गया है बैल के बैल की पिक्चर के रूप में सो अब अब बैल आ एक बैल घंटी अब बैल एक घंटी तो यहाँ पे एक घंटी पिक्चर में दिख रही है नाउ द लास्ट वर्ड इज हियर आ बी एटी बैट अ बैट अ एक बैट बल्ला सो हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है अ बैट एक बल्ला नाव इन द पिक्चर साइड वेर इज द बैड पिक्चर पिक्चर की बैट कहाँ है इन द सेकेंड नंबर सो वंस अगेन टू मैच दिस बैड पिक्चर विद द बैट वर्ड हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बैट वर्ड से उसको क्रॉस करके ले जाएंगे और सीधे ले जा करके इस जहाँ पे जो बैट की पिक्चर है यहाँ पे छोड़ के इस पे हम एरोसाइन बना देंगे तो हमने यह अ बैट वर्ड को अ बैट पिक्चर से मैच करा दिया है सो स्टूडेंट्स आफ्टर आफ्टर दिस इट्स द एंड ऑफ यर एक्सरसाइज सेकेंड पार्ट रेड सेकेंड पार्ट यह अब हमारी जो एक्सरसाइज थी उसका सेकेंड पार्ट भी पूरा हो गया है नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज जब हम एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट पे जाएंगे थर्ड पार्ट है सी ओ एम पी एल ई टी ई कंप्लीट T H E the W O R D S words complete the words complete pura kariye the words un ko complete the words un sabdhon ko pura karie once again in this part of the exercise we have seen picture words is here but the picture words are incomplete uh, from the word picture words one one alphabet is missing here so look this picture and fill the correct alphabet uh, fill the right alphabet in the word and complete the each एक्सरसाइज आपको जो भी यहां पर पिक्चर दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर सही अल्फाबेट भरिए और इस इन वर्ड को पूरा करिए सो इन द फर्स्ट इन थर्ड पार्ट पिक्चर वी हैव सीन अ पेन एक पेन हमें यहां दिख रही है चित्र में एन द वर्ड इज हेयर पी और एन इज इन दर्ड वी हैव सीन पी और एन अल्फाबेट द मिडिल इज मिसिंग सो इन द मिडिल ऑफ इन दिडिल Of this word, we will fill here a e vowel so it will make our word complete. And the complete word is P -E -N, pen 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 column. Now, in the next side, we have seen a color is here, and the color is.

एच ई एन एच ई एन एच ई एन है मुर्गी नाउ द इन द नेक्स्ट पिक्चर वी हैव सीन अ बेल पिक्चर में बेल दिख रही है बट इन द वर्ड वी हैव सीन बी एल्फाबेट और ई वेयर एंड टू अल्फाबेट आर मिसिंग हेयर टू एल्फाबेट आर मिसिंग हेयर सो द मिसिंग एल्फाबेट इज हेयर वन एल and the second is also L so after fill this LL alphabet here our word is complete and the complete word is B -E -L -L, BELL BELL -L, BELL GUNTY now let's move in the side third picture in the third picture we have seen a net picture नेट की पिक्चर है बट द वर्ड इज इनकम्प्लीट इन द वर्ड वी हैव सीन एन एन अल्फाबेट एंड टी अल्फाबेट इज इंड मिडिल अल्फाबेट इज मिसिंग एयर सो इन द मिडिल फिल दर ई वॉवल सो इट विल मेक अवर वर्ड कम्प्लीट अगर हम यहाँ पे इज जो मिसिंग है इसमें ई वॉवल भरेंगे तो हमारा वर्ड कम्प्लीट है एंड द कम्प्लीट वर्ड इज एन ई टी नेट एन ई टी नेट नेट जाली Now, the last word in the last picture we have seen a pet, uh, pa a parrot is here, and the parrot is pet. Parrot is our pet animal. So, let's uh, uh, so after this, after look this picture in the word we have seen here P or E vowel, but the last alphabet is missing here. So, in the missing place, if you fill here, there alphabet. So, our word is complete. And the complete word is P -E -T, pet. P -E -T, PET 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 PALTU. So, after this PET, it's our it Sounds of only exercise. Third part is complete now. Let's move on the fourth last part. And the last part is F I L L fill I N N T H E the बी एल ए एन के एस ब्लैंक्स फिल इन द्लैंक्स फिल भरिए ब्लैंक्स खाली जगह हैं जो खाली जगह है उनमें भरिए और वर्ड पूरा करना है एंड हैव सीन इन दार्ट ऑफ दिस गिवेन ईयर बट दर्ड्स आर वंस अगेन इनकम्प्लीट फ्रॉम दर्ड समल्फाबेट इज मिसिंग कुछ ये जो वर्ड्स हैं ये फिर इनकम्प्लीट है इनमें से कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट जो है वो मिसिंग है गायब है सो फिल दीज अल्फाबेट मिडिल इन फिल दीज अल्फाबेट इन द वर्ड एंड कम्प्लीट दीज वर्ड्स वू इज़ इन दिस पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज जो इस पार्ट में है उनमें अल्फ़ाबेट हमने फिल करने हैं उनको पूरा करना है सो लेट्स फिल इट इन द इन दिस पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज और फर्स्ट वर्ड इज हेयर इज आर एंड हेयर इज डी द मिडिल अल्फाबेट इज मिसिंग सो एज वी नो The word is R E T red. So in the middle, if we, if we fill their E vowel. So our word is complete and the complete word is R E D red. R E D red Lal now the second word in the second word we have seen b alphabet here e vowel is here but the last is here last word last word is missing here so if you fill here in the missing uh, missing place if you fill here d so our word is complete and the complete word is bed bad bed bad bad bedistan bed. now the next is here in the next word, we have seen H, H alphabet and L, N alphabet is here, but the middle alphabet is missing here. So, if in the middle we will fill their e, uh, e vowel, so word is complete and the complete word is H E N HEN. The complete word is H E N HEN. H E N HEN HEN, hen MURGI. Now, the next word is here in the next word we have seen p alphabet and e vowel is here and the last alphabet is missing here so if in the last missing place if we will fill here t alphabet so word is complete and the complete word is pet 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 paltoo नाव इन द आफ्टर कम्प्लीटेड नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकेंड ओ द हम सेकेंडो पे आएंगे इन द सेकेंडो वी हैव सीन एल अल्फाबेट एंड जी अल्फाबेट इज इट द मिडिल्फाबेट इज मिसिंग और इफ इन द मिडिल फिल दियर ई अगर हम यहाँ ई भरेंगे तो हमारा वर्ड कम्प्लीट होगा अवर वर्ड इज कम्प्लीट एंड द कम्प्लीट वर्ड इज एल ई जी लैक एल ई जी लैक तो यहाँ पे ई वॉब आएगा मिडिल में इस वर्ड में Now, the next word is P is here, E is here, and the last word is uh, missing here. and Last word is so missing here. So, again, if, we, if we will fill here in the blank space N alphabet, so our word is complete, and the complete word is P E N pen. P E N pen pen column. Next is here, N is here. And e vowel is here, but the last alphabet is missing here. So, in the last place, if you fill their t alphabet, so our word is complete. And the complete word is N -E -T net -N -E -T net net jali. Now, the last word is in this in this sounds of only exercise, it is b. B is here and middle is missing here, and in the last we have seen LL alphabet is here. So, if in the middle we will fill their E vowel, so our word is complete, and the complete word is B E L L bell. B E L L bell, bell, ghanti. So, after that, after complete this bell, student, so after complete this bell, um, after completing this bell burn now it's uh, the end of here. it's the end of our chapter 3 sounds of vowel exercise

एच इ एन हन हैन मुर्गी बी ई टी बैट बी ई टी बैट बैड बिस्तर पी इ एन पेन पी इ एन पेन पेन कलम एल ई जी लेग एल ई जी लेग लेक टांग जे ई टी जेट जे ई टी जेट जेट लड़ाकू विमान या फाइटर प्लेन

अ बेल सेकेंड वर्ड है अबेल एक घंटी और इन द पिक्चर साइड हियर इज अ बेल सो वी है हमने इनको अ बेल वर्ड को अ बेल से यहाँ पे मैच करवाया एंड द लास्ट वर्ड इज हियर अ बैट एक बल्ला एंड द बैड पिक्चर इज इन द पिक्चर इन द सेकेंड वी हैव सीन इन द सेकेंड पिक्चर अब बैड पिक्चर इज यार तो हमने उससे अब बैड वर्ड को इस बैड पिक्चर से मैच कराया सो इट्स आवर नाउ द सेकेंड पार्ट इज सॉल्व अब हमारा एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हुआ था नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट एंड लेट्स रीड इट आवर थर्ड पार्ट इज कंप्लीट द वर्ड्स शब्दों को पूरा करिए सो इट इज पीई एंड पेन पीई एन पेन पेन कलम आरई डी रेड आरई डी रेड रेड लाल एचई एन एन एचई एन एन हैन मुर्गी बीईएलएल बेल बीई एल एल बेल बेल घंटी एनई टी नेट एनई टी नेट नेट जाली पी ई टी पैट पी ई टी पैट पैट पालतू एंड आफ्टर दैट आफ्टर पैट इट्स अवर एक्सरसाइज साउंड ऑफ ऑल एक्सरसाइज थर्ड पार्टिंग रीडिंग इज ऑल्सो कम्प्लीट नाव लेट्स मूव ऑन द फोर्थ पार्ट रीडिंग हम अब फोर्थ पार्ट की रीडिंग करेंगे सो इट इज़ आर ई डी रेड आर ई डी रेड रेड लाल बी ई टी बैड बी ई डी बैड बेड बिस्तर एच इ एन एन एच इ एन 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 मुरगी पी ई टी पैट पी ई टी पैट पैट पालतू एल इजी लैग एल इजी लैग लैग टांग पी ई एन पेन पी ई एन पेन पेन कलम एन ई टी नैट एन ई टी नैट नेट जाली B -E -L -L, bell, B -E -L -L, B-E-L-L bell, B-E-L-L bell, bell, ghanti. So, students, now it's the end of your today's uh, class UKG English written work. Now, you have uh, students, now it's your work. You will take out your book in your home. Uh, you will take out your book at your home and sit with your parents and you will... Do practice to solve the exercise, and you will do practice to read the words or remember it also.